अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की चतुर कहानी हिंदी में, जहाँ पर भी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की बात आती है तो बीरबल का नाम जरूर लिया जाता है। बादशाह अकबर और बीरबल की जुगलबंदी के किस्से सभी जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में ख्याति प्राप्त है। अकबर और बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानी चतुर हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हर किसी को गुदगुदाने के साथ ही बहुत बड़ी सीख दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियाँ हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार ऐसे पेचीदा मामलों को बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बहुत ही आसानी से सुलझाया। इनके साथ ही बीरबल ने बादशाह अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मान के साथ स्वीकार करके उनका हल भी आसानी से किया है। अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। अकबर बीरबल की चतुर कहानी हिंदी में भले ही बहुत पुराने समय की हो, लेकिन फिर भी ये वर्तमान समय में अपना महत्व कायम रख रही है। आप अकबर और बीरबल की कहानियों से अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और साथ में ये भी सिखा सकते हैं कि किस प्रकार किसी भी समस्या का हल दिमाग का प्रयोग करके बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आइए जानते हैं अकबर बीरबल की चतुर कहानियाँ। बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की चतुर कहानी। एक बार की बात है, ठंड के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल तालाब के पास घूम रहे थे। बादशाह अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाल दी। तालाब का पानी इतना ठंडा पानी था कि बादशाह अकबर की उंगली जम गई। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस कठोर सर्दियों के मौसम में कोई भी व्यक्ति इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकेगा। बीरबल ने कहा, आदमी पैसे के लिए किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। बादशाह अकबर ने एक घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी के नीचे खड़े रह सकता है तो उसे 1000 सोने का सिक्का से पुरस्कृत किया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल था इस चुनौती को पार करना। फिर एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए धन की आवश्यकता थी। गरीब ब्राह्मण ने किसी तरह तालाब के ठंडे पानी में रात बिताए। रात भर चौकीदार ने उस पर नजर रख रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से चुनौती को पूरी कर दी। सुबह जब बादशाह अकबर से गरीब ब्राह्मण ने अपना इनाम मांगा, बादशाह अकबर ने अचरज से पूछा, इतनी ठंडी रात में आप पानी के बीच में कैसे खड़े हो सकते हैं? गरीब ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके किले के जलते हुए दीपक को देखा और सोचता रहा कि दीपक मेरे साथ है। इस तरह आग की लौ ने मुझे ठंड से बचाया और रात बीत गई। ये बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत इनाम देने से इनकार कर दिया। बादशाह अकबर ने तर्क दिया कि उस दीपक की गर्मी से आप रात भर पानी में खड़े रह सकते हैं, इसलिए आप इनाम के हकदार नहीं हैं। बेचारा गरीब ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ दरबार चला गया। जब बीरबल ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि यह अन्याय गरीब ब्राह्मण के साथ किया गया था। उसने गरीब ब्राह्मण के अधिकार प्राप्त करने का निर्णय लिया। अगले दिन बादशाह अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं थे, तो बादशाह अकबर ने एक सिपाही को बीरबल के पास भेजा। जब सिपाही बादशाह अकबर का संदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा तो बीरबल ने कहा, वो तब तक दरबार नहीं आएंगे जब तक उनकी खिचड़ी पक नहीं जाती। बादशाह अकबर ने लंबे समय तक इंतजार किया और जब बादशाह अकबर को नहीं रहा गया तो वह खुद बीरबल के घर पहुंच गए। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी के बर्तन को आग से बहुत दूरी पर लटका दिया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम मूर्ख हो जो खिचड़ी के बर्तन को इतना ऊंचा बांधा है। आग की गर्मी खिचड़ी के बर्तन तक जाएगी ही नहीं तो खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, खिचड़ी पक जाएगी, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार शाम के 2 बज गए और बादशाह अकबर अब लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले, बीरबल क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम समझने में असफल हो। गर्मी जब तक खिचड़ी के बर्तन के पास नहीं पहुंचेगी, खिचड़ी नहीं पकेगी। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, यदि इतनी दूर आग से खिचड़ी पक नहीं सकती है तो उस किले की खिड़की पर जलने वाले दीपक से उस गरीब ब्राह्मण को गर्मी और ऊर्जा कैसे मिलेगी? ये सुनकर बादशाह अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वो गरीब ब्राह्मण को बुलाते हैं और उसे 1000 सोना का सिक्का देते हैं। दरबार में बीरबल के गलत निर्णय को सही करने के तरीके की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।